तो दोस्तों सबसे पहले हम आलू को प्रेशर कुकर में डालकर बॉईल कर लेंगे। तो चलिए बॉईल करते हैं। तो दोस्तों मैंने पोटैटोस को पील ऑफ कर लिया है, अब हम इनको फॉर्क से प्रिक करेंगे, हल्का हल्का करेंगे। ऐसे ही हम सारे आलू को कर लेंगे। तो अब हम हल्दी पाउडर सारे पोटैटोस में डाल देंगे। तो हमने हल्दी पाउडर सब पोटैटोस में डाल दिया है, अब हम सॉल्ट मिक्स करेंगे। इस तरह से सभी पोटैटोस में अच्छे से डाल देंगे। दोस्तों मैंने पैन को गैस में चढ़ा लिया है और 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल लिया है, अब हम इसको थोड़ा हीट होने देंगे। तो अब हम पोटैटोस को पैन में डाल लेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मैंने पोटैटोस को पैन में डाल लिया है, अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए इसमें गोल्डन कलर आ रहा है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स हमारे पोटैटोस गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। एकदम जेंटली निकालना है हमें इनको, ये टूट ना जाए। तो अब हम वही तेल में कुछ खड़े गरम मसाले फ्राई कर लेंगे, जिसमें है तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग और 2 लाल मिर्च। अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक चॉप किया हुआ बड़ा प्याज डाल देंगे। इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब इसमें एक छोटी कटोरी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और चला लेंगे। 10 से 11 काजू डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें एक बड़ा चॉप्ड टमाटर डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मसाले फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 कटोरी फ्रेश दही डाल देंगे और इसे भी 1 मिनट तक चला लेंगे। ग्रेवी के साथ दही मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले फ्राई हो चुके हैं और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, अब हम इसमें हमारे फ्राइड आलू डाल देंगे। और इसके बाद हम 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। हमारा आलू मसाले के साथ फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे। आप पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं।
अब इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसको ऑलमोस्ट 30 to 29 seconds मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको फिर से 29 to 30 seconds मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर हम इसे गार्निश करेंगे। दोस्तों हमारा मसाला दम आलू बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो दोस्तों मैंने बनाया, आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने तो बनाया ही है, आप भी बनाइए और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।